जो भी बंदे एमएनसी को जा रहे हैं आप ही की तरह जा रहे हैं, आप ही की हाइट है, उनकी भी 5'8" 5'9" 5'10" आप ही की तरह कपड़े पहने हैं, दो हाथ हैं उनके, दो पैर हैं उनके, दो आंख हैं उनके, दो कान हैं उनके। अगर कुछ आपसे अलग है तो क्या है? सिर्फ नॉलेज ही तो है ना, बाकी वही है। उन्हें खाना खाना होता है तो कान में डाल के नहीं खाते, मुंह से ही खाते हैं। यस और नो, देखो आप लोग कभी सोचे हैं, जो बंदा रोजाना हजारों कमा रहा है, महीने में 10 लाख उसकी सैलरी है, या बिजनेस में वो 25-25 लाख कमा रहा है हर माह, 1-1 करोड़ कमा रहा हर माह, तो वो क्या कर रहा होगा? उसके पास क्या ऐसी चीज है? उसने काहिली को मार दिया। जो लोग काहिल होते हैं ना, सुस्त होते हैं, बैठे रहते हैं, कल पे टालते हैं कि मैं कल से करूंगा, नेक्स्ट वीक से करूंगा, मंडे से तो मैं जबरदस्त मेहनत करूंगा, 1 जनवरी आ रही है बेहतरीन मेहनत करूंगा, अव्वल दर्जे के होपलेस। आज 15 तारीख है, 15 दिन है, 15 दिन में गजब के काम कर सकते, 15 दिन टाल रहा है तो 1 जनवरी से करूंगा। ये जिंदगी में कामयाब नहीं होते बंदे, याद रखना। जो कल पर टालते हैं, जो मंडे पर रखते हैं, जो नेक्स्ट मंथ से मैं करूंगा, रेगुलर करूंगा, मैं नेक्स्ट मंथ से रोजाना नमाज पढ़ूंगा, डेली जिम जाऊंगा, मैं ज्यादा देर मेहनत करूंगा, जिंदगी में नहीं कर सकते हैं वो लोग जो अब से करते हैं। अरे सिगरेट पी रहा है, मैं 1 जनवरी से बंद कर दूंगा, वो 1 जनवरी उसके 80 साल में भी नहीं आएंगे, बूढ़ा हो जाएगा, दांत तले जाएंगे, करते रहेगा लेकिन बंद नहीं होगा वो। आज अभी बंद करना है, जेब में से ऐसे निकालना, ये लो मैं फेंक रहा हूं आज से, खलास। यही बंदे कामयाब होते हैं लाइफ में। इमीडिएट डिसीजन लेना तो बस ले लेना, उसको मैं धीरे धीरे करूंगा, स्लो करूंगा, कभी आने वाला ही नहीं। आपने अगर बदलना है, राइट अवे राइट हियर, याद रख लें, डिसीजंस लेना राइट अवे राइट हियर, अभी डिसीजन लेना आपने, वही लोग कामयाब होते हैं। और वो करोड़ों में एक होता है, और वो कहीं से कहीं निकल जाता है। आप लोग ऐसे टर्निंग पॉइंट अपने लाइफ में ले आना। इल्म वो चीज है, हासिल करना है। कोई बंदा 30 साल तक कुछ ना करें, सिर्फ इल्म 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 हासिल करें और स्किल्स डेवलप करते जाएं, वो कांकर कर सकता है दुनिया को। लेकिन आज के नौजवान बच्चे, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट आ गई तो ऐसे पागल हो जाते हैं जॉब्स के, कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। 15,000 20,000 कहां तक सैलरी जाएगी उनकी? बमुश्किल 40-50 या 1 लाख। अगर वो 3 साल लगा दिए या 5 साल लगा दिए किसी के अंडर, इल्म सीखने में जिंदगी वफ कर दी उसने, तो वो 1 लाख सैलरी उसकी नहीं होगी, वो 1-1 लाख 100 लोगों को देने वाला बनेगा, ऐसा हुनर उसके पास में आएगा। लेकिन ऐसी सोच लोगों के पास नहीं है, 99% लोगों के पास नहीं है। लोग को इमीडिएट चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, और यहीं चाहिए कामयाबी। इतना जल्दी चाहते हैं तो आखिर में वो इतना पार्ट में छोटा मिलेगा आपको, और जिंदगी भर उसी से मुतमईन रहना है आपको। बड़ी सोच रखिए, मेहनत भी वैसे ही कीजिए। आप लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई किसी का काम आने वाला नहीं है, याद रख लीजिए। आप लोग जो बातें करते हुए वक्त को गुजार रहे हो ना, कोई किसी का काम आने वाला नहीं है, खुद आपने अपनी जिंदगी बनाना है। इसीलिए किसी ने कहा कि अ मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। आप एक इंजीनियर हैं, आपकी किस्मत को आपने बनाना है। जरूर अल्लाह मुकद्दर लिखता है, लेकिन अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है हमें, दो हाथ हमें दिए हैं, दो पैर हमें दिए हैं। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को खाना खिलाना होती ना, तो वो घोंसले से बाहर निकलना होता है उसको। तमाम जानवर जितने भी है, जितने भी मखलूक है, वो सब अपने घर से बाहर निकलते हैं सुबह खाने की तलाश में, और हमें भी निकलना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ बैठ कर मुसल्ला बिछाएं और अल्लाह से मुझे नीट क्लियर करा दे अल्लाह, मुझे नीट क्लियर करा दे अल्लाह, मैं रोज 10-10 रकात नमाज पढ़ते रहूंगी अल्लाह, ऐसे नहीं होने वाला है। 2 रकात भी पढ़ना है, अल्लाह से भी मांगना है, लेकिन तरीका अपनाना है। नीट के लिए क्या करना है? किताबें पढ़नी है, वो इल्म हासिल करनी है, तभी जाकर वो होगा। मैं किताबें नहीं पढ़ूंगी, मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा, मुझे कामयाबी दे, ये जिद है, ये नहीं होने वाला है। इसलिए तमाम जितने भी यंगस्टर्स आए हुए हैं, आप लोग मेहनत करो, एक एक चीज 100-100 बार प्रैक्टिस करो, कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपका।